यूपी के मुरादाबाद में अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। यहाँ की पॉश कॉलोनी में एक मुस्लिम डॉक्टर के मकान खरीदने से बात इतनी बिगड़ गई कि हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ गया और नाराज होकर लोग सड़क पर उतर आए। नारेबाजी करते हुए हिंदू समुदाय के लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि लोगों ने जिला प्रशासन से मकान की रजिस्ट्री रद्द करने की मांग कर दी। लेकिन इसी बीच आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों किसी कॉलोनी में मकान खरीदने के कारण ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि मामला मुरादाबाद की सबसे पॉश कॉलोनी TDI सिटी का है, जहां रहने वाले डॉक्टर बजाज नाम के व्यक्ति ने अपना मकान डॉक्टर इकरा चौधरी को बेच दिया है, जिसको लेकर कॉलोनी के लोगों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि यहां करीब 450 परिवारों के 1700 से 1800 लोग रहते हैं, जो कि एक ही समुदाय से जुड़े हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कॉलोनी बसने के समय तय किया गया था, यहाँ किसी अन्य समाज की रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। इसके बाद भी डॉक्टर बजाज ने ये रजिस्ट्री मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को करा दी। कॉलोनी के लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर बजाज ने जिसे मकान बेचा है उसके पड़ोसी ने उनको ऑफर दिया था कि घर वो खरीद लेंगे, लेकिन फिर भी चोरी से मकान बेच दिया। फिलहाल कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमने प्रशासन और भाजपा विधायक से इस मामले में बात की है ताकि रजिस्ट्री वापस हो और उसका पैसा वो कॉलोनी वासी मिलकर देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति को नहीं आने देंगे। इस पूरे मामले में मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह का बयान भी आया। उनका कहना है कि TDI सिटी के लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति विशेष ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मकान बेचा, इसको लेकर वहां के लोगों को आपत्ति थी। DM के मुताबिक ये प्रकरण प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में है और सभी पक्षों से इसमें लगातार वार्ता चल रही है। हमारा प्रयास है कि इसका जो समाधान है वो सबकी सहमति से निकले और किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने की चीज़ें इसमें ना हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।